तो हेलो दोस्तों, ओरिजिनल टेक टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं लेबरा सिम से इंटरनेशनल मोबाइल में नेट पैक और रिचार्ज करने का तरीका बताऊंगा। दोस्त, अगर आपके पास लेबरा का सिम कार्ड है तो आप बहुत ही इजी तरीके से अपने मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल यानी किसी भी कंट्री का मोबाइल हो उसमें आप नेट पैक और रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के हम आपको लेकर चलते हैं अपनी मोबाइल के होम स्क्रीन पर और जानते हैं इंटरनेशनल रिचार्ज करने का तरीका। इससे पहले दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो लेबरा सिम से किसी भी कंट्री के मोबाइल में नेट पैक और रिचार्ज करने के लिए आपको अपने मोबाइल का मैसेज वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जिसे इनबॉक्स बोलते हैं। ओके दोस्त, यहाँ आप देख सकते हो मैसेज, यही वाला ऐप आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, नीचे लिखा है स्टार्ट चैट, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ऊपर में आपको एक कोड डालना है। चलिए मैं कोड डाल के आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है 310 310, यानी 310 310। उसके बाद दोस्तों, नीचे लिखा है सेंड टू 310 310, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके मोबाइल में दो सिम कार्ड है तो यहाँ पे एक सिम कार्ड का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप लेबरा वाला सिम कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके दोस्त, अब आपको यहाँ पे मैसेज में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर पर आप नेट पैक और रिचार्ज करना चाहते हैं। नंबर डालने से पहले दोस्त, आपको कंट्री का कोड डालना होगा। जैसे कि इंडिया का है 91, तो आप जिस कंट्री में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस कंट्री का पहले कोड डाल लेना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए, मैं इंडिया का मोबाइल में नेट पैक करना चाहता हूँ, तो मैंने 91 डाल दिया। अब यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें। ओके दोस्त, तो दोस्त यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है जिस नंबर पर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे लिखा है SMS, तो इस पर क्लिक करके मैसेज सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, रिप्लाई आएगा। ओके दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला एयर टाइम, दूसरा डाटा और तीसरा बंडल। अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन चुनें, और अगर आप डाटा करना चाहते हैं तो दूसरा, और आप इंडिया के मोबाइल में कोई बंडल नेट पैक करना चाहते हैं तो तीसरा वाला ऑप्शन चुनना है। तो आपको फिर से मैसेज में लिखना है 3, क्योंकि मैं बंडल यानी इंटरनेट पैक करना चाहता हूं, तो यहां पे मैसेज में मैं भी लिखूंगा 3, फिर यहां पे SMS पे क्लिक करके सेंड कर दूंगा। सेंड करने के बाद दोस्तों, फिर से आपके पास एक मैसेज आएगा, आप थोड़ा सा वेट करें, मैसेज आ जाने दें, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैसेज आ चुका है। तो दोस्त, यहाँ से आपको अपने हिसाब से जो प्लान आपको अच्छा लगे वो प्लान सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ सबसे नीचे वाला 499 वाला पैक करना चाहता हूँ। तो देखिए, 499 के सामने पहले 5 नंबर है, यानी लास्ट का 5 नंबर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5। ओके दोस्त, फिर आपको यहाँ SMS लिखा है, SMS पे क्लिक करके सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्त, आप फिर से थोड़ा सा वेट करें तो आपके पास एक और मैसेज आएगा, आप थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मैसेज आ गया है। अब नीचे लिखा है
डायरेक्टरी फ्रॉम यूअर बैलेंस टू कन्फर्म प्लीज रिप्लाई विट 1 टू कैंसिल प्लीज रिप्लाई विट 0। अगर आप नेट पैक और करना चाहते हैं तो यहाँ मैसेज में आपको 1 लिखना है और सेंड कर देना है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 लिखना है, फिर से सेंड कर देना है। तो मैं यहाँ पे सेंड करना चाहता हूँ तो मैं 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद यसमस पर क्लिक करके सेंड कर देंगे। तो दोस्त आप थोड़ा सा वेट करें तो देखें मेरा इंटरनेट पैक हो चुका है। तो दोस्त इसी तरह से आप इंटरनेट पैक कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो।